नमस्कार, मैं हूं मोहित वर्मा और आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। इस समय जिला यमुनानगर के शिवनगर कॉलोनी ये देख सकते हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस घर के हालात। और मैं बता दूं कि इस घर के हालात ऐसे हैं कि छत गिर चुकी है और जो एक आधे कमरे में जो शेड बचा है वो भी चूता हुआ नज़र आ रहा है। ये गरीब परिवार है, ना माँ बाप का साया, ना पति का साया, ना बच्चों को उनके बाप का साया। इस प्रकार की हालत इस घर में है, आप जैसा कि लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो मेरी सभी से अपील, एक छोटी सी मदद की ज़रूरत है इस परिवार को। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख पा रहे हैं, साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि घर के जो बर्तन हैं वो बाहर पड़े हैं और घर की जो छत है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से टूट चुकी है। भारी बारिश के कारण जो है शेड गिर चुका है और ये छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं जिनके सिर पर इनके पिता का साया नहीं है, और एक जवान इनकी बेटी है जिसकी शादी अभी होनी है, और ये जो महिला है और ये इस इंतज़ार में है कि इस समय कोई इनकी मदद के लिए इनके घर तक आए, इनके बच्चों के सिर पर छत हो। आप देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरों में। मेरा सभी से अनुरोध, जो भी इस खबर को देख पा रहे हैं, साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हालात देख सकते हैं इनके, हालात किस प्रकार के इनके हालात हैं। ना रहने के लिए सही से छत है, जो छत भी थी वो भी गिर चुकी है। हालात बद से बदतर इस समय इनके जो हालात यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और अंदर जो भी आप देख पा रहे होंगे, अंदर तस्वीरों में जो एक कमरा बचा है वो भी बाल्टी के साथ जो है पानी जो चू रहा है, सोने की स्थिति भी नहीं है। तो देख पा रहे थे लाइव तस्वीरें। मेरा सभी से अनुरोध, जो भी इस खबर को देख पा रहे हैं, साथ के साथ शेयर ज़रूर करिए। इस गरीब परिवार की मदद कीजिए, ये आपके आपकी एक शेयर से इनकी मदद हो पाएगी। जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहना चाहोगे, क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? बबीता। बबीता जी, क्या कहना चाहेंगी? जिस तरीके से बहुत ही दुर्गम स्थितियां हैं, आप लोग जीने के लिए मुश्किल हो रही है, क्या कहना चाहेंगी? हो रही है। कैसे गिरी हैं ये छतें? बारिश की वजह से गिर गई थी। बारिश की वजह से गिर गई थी। घर में कोई कमाने वाला? कोई नहीं कमाने वाला है। आप ही अकेले? मैं अकेली हूं। कितने बच्चे हैं आपके? आपके आदमी को कितने समय हो गया? छह साल हो गए। आप सबसे बड़ी बिटिया हैं, आपकी शादी बड़ी? हाँ जी, आपकी शादी है। क्या कहना चाहेंगी बबीता जी, स्थितियाँ बहुत खराब है, पहले बेटी की शादी करनी है या फिर घर बनवाए, क्या करेंगी, क्या कहेंगी? शादी भी करूंगी, घर ही बनवाऊंगी। कैसे करेंगी, किस तरीके से, लोगों से क्या गुजारिश करना चाहेंगी? हाँ, मेरी मदद कर दो बस। आपकी मदद करें तो किस तरीके से बिटिया की शादी का जुगाड़ हो पाया है? कुछ काम कहाँ कर पाया? काम करती हूँ। कोठी में क्या काम करती हैं? यही झाड़ू पोछा। झाड़ू पोछा करती हैं। बिटिया करती हैं ना? बिटिया मेरे घर रहती है। बिटिया घर रहती है। घर में आपका नाम क्या है? कोमल। कोमल, आप क्या करती हैं बच्चे? कुछ नहीं करती हैं। कुछ भी नहीं करती हैं। ये भी बच्चे, कितने बच्चे हैं आपके? छह। छह बच्चे हैं। कैसे गुजारा चल पाता है, कितने कमा पाते? तो आप देख रहे हैं तस्वीरें कि छह बच्चे हैं इनके और ये मदद की गुहार लगा रहे हैं कि इनके सर पर कोई छत की यहाँ पर व्यवस्था कर दे ताकि हम बारिश के समय में सुख चैन से सो पाएँ। आप देख पा रहे हैं जो शेड है वो तेज़ बारिश में, तेज़ तूफान में वो गिर चुके हैं। आप देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरों में। मेरा सभी से अनुरोध, जो भी इस खबर को देख पा रहे हैं, साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हमारे साथ प्रभजोत सिंह जी भी साथ है जिन्होंने इनके बारे में बताया था कि हालात, और ये राजकुमार जी भी हैं जिन्होंने बताया था कि इनके घर परिवार के हालात खराब है। रिक्वेस्ट करने के लिए के विनती है इनके परिवार के लिए मदद करो, इनका घर भी गिर गया और इसकी लड़की की शादी भी है। आप सभी से मेरी पैसा इनके बैंक अकाउंट में डालने का प्रयास करना। बैंक अकाउंट इनका नंबर हम डाल देंगे और इनके बैंक अकाउंट में जो भी आप अपनी जिसकी जितनी श्रद्धा असलियत में ही देनी स्थिति है सर इनकी। और जिन हाँ जी, हर असलियत में है और जितनी जिसकी इच्छा है की कोई जितना भी डालना चाहता है, 50 जो भी डालना चाहता है, कितने भी इनके हाँ जी, वो इनकी मदद करे जी। बस तो मेरी यही विनती है। जी भी हमारे साथ सर, क्या क्या कहना चाहेंगे लोगों को? सर यही मैं कहना चाहूंगा कि जितनी ज्यादा हो सके हमें इनकी मदद करनी चाहिए और इनका जो परिवार है, पहले भी इनकी लॉकडाउन में भी इनकी लॉकडाउन में हमने राशन दे के, जो राशन पानी दे के हमारी संस्था ने, क्या अपील करेंगे कि जिसने इनकी मदद करनी है वो घर आके भी दे सकता है? घर आके भी दे सकते भी हैं। हम आपको बैंक अकाउंट भी इनका प्रोवाइड करवा देंगे, आप इनके बैंक ही बैंक अकाउंट मिल जाएगा आपको। जैसे कहा जाता है समाज में बेटियां सबकी एक ही होती है, तो कहीं ना कहीं चार बेटियां एक बेटी का जो है रिश्ता भी करना है, घर भी गिर गया है, कैसे हो पाएगा? प्रभजीत जी क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, इसमें तो सभी लोगों को एक साथ मिलके इनका संस्था भी सारे मिलकर इनका कुछ ना कुछ जरूर साथ दें। अगर सारी संस्था भी हजार रुपए देगी तो कहीं ना कहीं इनका जिसकी जितनी इच्छा जिसकी जितनी इच्छा वो उस हिसाब से कर सकता है।
ये नहीं हम कहते भी तुम 1000 दो जो 2000 दो, किसी की 100 रुपए की इच्छा तो 100 दे दो जी। किसी की कहीं ना कहीं कहा जाता है बूंद बूंद कर घड़े 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 बरसा, बूंद बूंद से सागर बन जाता। तो आप देख पा रहे थे लाइव तस्वीरों में, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बूंद बूंद कर। आपने देखी इनकी तस्वीरें कि किस प्रकार से माँ बाप का साया नहीं है और बच्चों के सिर पर पिता का साया नहीं है, ना सास ससुर है, ना कोई कमाने वाला है। तो इस प्रकार से बड़ी मुश्किल से झाड़ू पोछे का काम कर कर, ये मेहनत कर कर ये अपने घर का गुजारा करवाती हैं। पर हालात ऐसे हो चुके हैं, खाना तो खा लेंगे एक समय का, पर लेकिन जो छत जो ये देख सकते हैं आप, घर के जो हालात इतने निर्मम हो चुके हैं कि इस समय इनका रहना भी यहाँ। मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख पा रहे हैं साथ की साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इन छोटे छोटे बच्चों की तरफ देख कर, मेरी सभी से अपील है, आपका एक शेयर, आपका एक शेयर इनके घर की छत डलवा सकता है। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख पा रहे हैं साथ की साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप देख पा रहे थे लाइव तस्वीरों में कि किस प्रकार से जो ये हैं हाथ जोड़कर लेडीज़ यहाँ पर खड़ी है, कमाने वाले नहीं हैं, कमाने वाली एक ही है, झाड़ू पोछा करके 1000-2000 रुपये कमा के घर का जो है गुजारा करती है, दाल रोटी का गुजारा करती है। 6 बच्चे हैं इनके, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। क्या एक बार क्या गुहार करेंगे आप लोगों से, हमारी मदद करो। तो आप देख पा रहे थे तस्वीरें कि एक ही अपील की कि इनकी मदद कर दी जाए। तो आप देख पा रहे थे लाइव तस्वीरों में, सिर्फ आपका एक शेयर इन्हें बचा सकता है, इनके घर की छत को डलवा सकता है। तो अब मुझ मोहित को दीजिए इजाजत, धन्यवाद। कौन सा इलाका पड़ता है? शिवनगर। वर्क गांधी नमस्कार, गांधी नगर फाटक के पास की खबर आप सभी को बता दें कि कुदरत कहर बनकर ढाई है इस परिवार पर। आप देख सकते हैं इस परिवार